हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से घर में भापा दही। तो सबसे पहले हंकर्ड ले लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे मैंगो प्योरे और फिर इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। सबको अच्छे से मिला लेंगे। और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। आप जो भी बर्तन यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे उसके तले पे बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर आप यूज करें, ताकि वो जले ना और नीचे चिपके ना। अगर आपके पास घर में फॉइल पेपर है तो इसे ऊपर से लगा दें। मेरे पास नहीं था तो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और अब इसे कुकर में डालेंगे। तो कुकर में सबसे पहले स्टैंड लगाएं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और अब इसमें बर्तन डाल दें। और अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और ध्यान रहे कि इसमें सीटी नहीं लगाना है। और अब इसे 45 मिनट तक पका लेंगे। 45 मिनट बाद जब कुकर ठंडा हो जाए तब इसे निकाल लें और अब इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। पार्चमेंट पेपर को हटा लें। अगर आपके घर में फ्रिज है तो इसे सर्व करने से पहले इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में चिल करें, उसके बाद इसे मैंगो से गार्निश करेंगे, उसके बाद सबको ठंडी ठंडी भापा दही सर्व करें। और अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।